नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रवीण और आप देख रहे हैं पाविका फ्लूइड सीरीज चैनल को एक बार फिर से। तो आज मैं लेके आऊं आपके लिए अगेन अ टॉपिक फ्रॉम द फ्लूइड मशीनरी, क्योंकि मैं जैसा कि आपको बता चुका हूं कि फ्लूइड मैकेनिक्स का हमारा लगभग मैक्सिमम कोर्स खत्म हो चुका है, तो मैं नए सब्जेक्ट पे आ गया हूं फ्लूइड मशीनरी। बट फिर भी कोई कोई पार्ट, कुछ कॉन्सेप्ट रह गया फ्लूइड मैकेनिक्स में, तो आप मुझे कमेंट्स में, मेरे जितने भी वीडियोस अवेलेबल है उस पर कमेंट कीजिएगा। मैं पूरी कोशिश करूंगा टाइमली वीडियोस लेके आने की, और काफी कमेंट्स आ भी रहे हैं, तो वन बाय वन मैं उसे भी लेके आऊंगा, साथ में कमेंट्स भी करते रहिए। बट स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज आपसे बहुत बड़ी ऐसी रिक्वेस्ट कि आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा, ताकि मैं ऐसी एजुकेशन वीडियोस आपके लिए हमेशा हर पल लेके आता रहूं। तो आज का जो टॉपिक है जिसे हम स्टार्ट करने वाले हैं, दिस इज द फोर्स एक्सर्टेड बाय अ जेट ऑन अ सीरीज ऑफ नंबर ऑफ वेन्स, यानी कि कितनी फोर्स एक्सर्ट की जाती है हमारे वेन्स या मूविंग प्लेट्स के ऊपर। अभी आप देख रहे हैं डायग्राम, तो आपको दिख ही रहा है, ये है हमारा जेट, ये ट्रैवल कर रहा है विद अ एब्सोल्यूट वेलोसिटी वी, इसका डाया कैपिटल डी है, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया जिसके थ्रू वो जेट ट्रैवल कर रहा है, जो चेंज नहीं हो रहा है, तभी तो हमारा ये वेलोसिटी बनी हुई है, दैट इज कैपिटल वी। ओके, अब ये स्ट्राइक किसको कर रहा है, जैसे कि मैं बता चुका हूं ये एक हमारा टर्बाइन ही बोल सकते हैं। देखिए ये जो है बीच का, एक्चुअली यहां पे लिखा नहीं है, यहां पे व्हील इसको बोला हुआ है, व्हील या फिर इसको रनर भी बोलते हैं। एक्चुअली ये जो देख रहे हैं आप एक टाइप की टर्बाइन ही है, और ज्यादातर ये टर्बाइन किसके जैसी दिखती है, पेल्टन टर्बाइन के जैसा, जैसा मेरा पिछला वीडियोस आपने देखा होगा जिसमें मैंने हर एक पार्ट बताया था पेल्टन व्हील कैसा होता है, इसके नाम मतलब कौन से इंजीनियर की वजह से इस मतलब इस टर्बाइन को ये नाम दिया गया। ठीक है, तो आप देख रहे हैं बीच में है शाफ्ट, इस एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही घूम रहा है। किस वजह से, जब फोर्स एक्सर्ट की जाती है आपके जेट द्वारा कौन से मूविंग वेन्स के ऊपर। अभी तक देखिए आपने क्या क्या कॉन्सेप्ट देखे हैं, आपकी प्लेट स्टेशनरी थी, ठीक है, तो यही प्लेट आगे चल के मूव करती, वो भी सिंगल प्लेट, आपकी प्लेट टेढ़ी थी तब वो स्टेशनरी थी, तो वही प्लेट आगे चल के मूव करती, तब उसके इसमें देखा कि कितनी फोर्स एक्सर्ट की जाती है। तो कभी आपकी प्लेट कर्व हो जाती है, कभी फ्लैट हो जाती है, कभी टेढ़ी होती है। तो देखिए आपने कभी सोचा है कि ये जो प्लेट मूव कर रही है इसका कुछ फायदा भी है क्या, ये फिजिबल भी है, कभी आपने मुश्किल से देखा होगा। ठीक है, मेरा कहने का मतलब यही है कि ये जो कॉन्सेप्ट आपने देखे हैं ये एक्चुअली में कहीं पर प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, और इसका कुछ यूज भी नहीं है। एक प्लेट है जो मूव कर रही है, ठीक है, और जेट भी उसको स्ट्राइक कर रहा है मूविंग प्लेट को, तो उसका क्या एप्लीकेशन है, कुछ एप्लीकेशन नहीं है। ठीक है, और उसके एप्लीकेशन अगर होंगे तो वो हमारा फिलहाल किसी काम का नहीं है, और होंगे तो बहुत कम एप्लीकेशंस होंगे। मगर यहां पे हमारे पास लाइव एप्लीकेशन है, जैसा क्या है, नंबर ऑफ प्लेट्स लगी हुई है जिसको वेन्स भी कहा जाता है। ठीक है, प्लेट्स और वेन्स, एक हमारा एक रनर है, या फिर बोल सकते हैं वेन्स है, मतलब मेरा कहने का मतलब है बीच वाला जो है रनर या जिसका नाम है व्हील मैंने दिया हुआ है। ठीक है, और एक पर्टिकुलर इंटरवल के बाद मैंने क्या लगाई हुई है, प्लेट्स लगाई हुई है। तो अगर इन प्लेट्स को एक जेट द्वारा स्ट्राइक किया जाता है तो आपका ऑटोमेटिकली क्या होगा, ये जो व्हील है यानी कि टर्बाइन है ये घूमना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले जो जेट है इस वेन या प्लेट के कॉन्टैक्ट में आएगा। ठीक है, तो एक फोर्स एक्सर्ट की जाती है आपके जेट द्वारा इस प्लेट के ऊपर। ठीक है, अब ये आगे डायरेक्शन में मूव करेगा। ठीक है, एक चीज बता देता हूं। ठीक है, फिर क्या होगा, फिर ये जो दूसरी प्लेट है ये सामने आएगी, फिर एक फोर्स वापस एक्सर्ट की जाएगी आपके जेट द्वारा प्लेट के ऊपर। ऐसे नंबर ऑफ वेन्स, यानी कि क्या है, पहले जो हमने इससे पहले कॉन्सेप्ट पढ़े थे वहां पर सिर्फ एक ही प्लेट थी जो मूव हो रही थी, तो उसका कुछ एप्लीकेशन भी नहीं था। मगर यहां पे हमने नंबर ऑफ सीरीज ऑफ क्या बोले हैं, हमने क्या लगा है, वेन्स या प्लेट्स लगा दी है रनर के आजू बाजू, अब रनर के सर्कमफेरेंस पे लगाई है, और हर एक के ऊपर एक फोर्स एक्सर्ट की जाती है जेट द्वारा, जिसकी वजह से आपकी ये जो रनर बोल सकते हैं या फिर ये टर्बाइन जो है या फिर बोल सकते हैं व्हील है, एक कांस्टेंट वेलोसिटी यू के साथ घूमना स्टार्ट कर देती है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो आज हम यही देखने वाले हैं। ठीक है, तो हम क्या क्या चीजें देखने वाली, कितनी फोर्स एक्सर्ट की जाती है जेट द्वारा किसके ऊपर, ऑन द नंबर ऑफ बहुत सारी प्लेट्स के ऊपर, जो कौन सी वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है, आपका u, स्मॉल u, और जो जेट है वो खुद की वेलोसिटी दैट इज ट्रेवल कर रहा है विद अ वेलोसिटी कैपिटल वेलोसिटी v। दूसरी चीज, एफिशिएंसी कितनी होगी, अगर एक जेट पड़ता है आपकी इस प्लेट्स के ऊपर, नंबर ऑफ प्लेट्स के ऊपर, तो कितनी परसेंट एफिशिएंसी होगी, मैक्सिमम कितनी एफिशिएंसी होगी, और अब हम देखेंगे कि क्या कंडीशन होगी अगर हमें मैक्सिमम एफिशिएंसी को ऑब्टेन करना है, प्राप्त करना है। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं। तो अब आपको मालूम है दैट देखिए
ये जो जेट है ये खुद ट्रैवल कर रहा है विद अ वेलोसिटी वी, तो व्हाट विल बी द मास फ्लो रेट? देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो फोर्स है एग्जर्ट की जाती है आपके जेट द्वारा इस नंबर ऑफ प्लेट्स के ऊपर, ठीक है, वो दी जा सकती है बाय यूजिंग न्यूटन सेकेंड लॉ, दैट इज फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन. जैसा आपको मालूम ही होगा दिस इज द नेट फोर्स. ओके, अब अगर हम बात करेंगे दिस इज एम, एक्सेलरेशन विल बी डीवी बाय डीटी, ठीक है, this is change in velocity by change in time taken. So net force can be written as this is the mass. ये जो mass है ये है mass flow rate of your jet. ये है mass flow rate jet का, ठीक है. देखिए अब हम कैसे निकालते हैं, फिलहाल तो ये mass ही है, ठीक है. This can be written as v1 minus v2 change in velocity upon t2 minus t1, ठीक है. It's quite hot and humid. Okay, तो देखिए this is the change in velocity, this is the change in time taken. ओके, अगर आप v1 minus v2 लिखते हैं तो दैट मीन्स कितनी फोर्स एग्जर्ट की जा रही है आपके जेट द्वारा किसके ऊपर, नंबर ऑफ सीरीज में जो ये लगे हुए हैं रेगुलर इंटरवल के बाद आपकी प्लेट्स लगी हुई हैं, कितनी फोर्स एग्जर्ट की जा रही है जेट द्वारा किसके ऊपर, प्लेट्स के ऊपर, ठीक है. अगर आप फाइंड आउट करना चाहते हैं कि कितनी फोर्स एग्जर्ट की गई है आपके प्लेट द्वारा जेट के ऊपर, तो फॉर्मूला आपका क्या हो जाएगा, v2 minus v1. तो फिलहाल ये v1 minus v2, क्योंकि हमें फोर्स निकालनी है कितनी फोर्स एग्जर्ट की जाती है किसके ऊपर, दैट इज ऑन योर दिस वन जेट से आपके प्लेट के ऊपर. तो आई होप आपके क्लियर हो गया होगा. तो अब मैं फाइनली लिखूंगा दिस, सपोज अगर ये m को मैं अंदर मल्टीप्लाई कर दूं, व्हाट विल बी दिस, दिस इज m v1 minus m v2 upon t2 minus t1. अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे, what is this m into v, mass into velocity क्या होता है भाई, momentum होता है, ठीक है. what is this, this is momentum. so what is this, so this is the initial momentum, this is the final momentum, this is initial momentum and final momentum. I hope आपको ये clear हो रहा होगा. तो कहने का मतलब है कि जो force exert की जा रही है jet द्वारा, ठीक है, that is equal to the change in momentum with respect to time. या फिर हम ये भी बोल सकते हैं that जो भी force exert की जा रही है आपके jet द्वारा वो होगा, देखिए जब हम हम change in momentum को time से relate करते हैं तो हम ये भी बोल सकते हैं that force which is exerted by a jet on the plate is equal to the rate of change of momentum. तो ये सारी चीजें थी just समझाने के लिए, ये impulse momentum equation है, ठीक है. तो फोर्स कितनी एग्जर्ट की जाती है हम ऐसे लिख सकते हैं, मगर हमारे पास जो काम की चीज है वो फिलहाल मैं इसे मिटा देता हूं, ये तो सिर्फ जस्ट समझाने के लिए था, ठीक है. ओके, तो देखिए हमें क्या करना था, मैं क्या करूंगा, ये जो टाइम टेकन है t2 minus t1 ये मैं बाहर निकाल लेता हूं, तो मैं इसको क्या ऐसे लिख सकता हूं, t2 minus t1 कैन बी रिटन एज टाइम टेकन ओके इनटू v1 minus v2, ठीक है. अब देखिए मास अपॉन टाइम इज व्हाट, मास फ्लो रेट. तो आई राइट डाउन, लेट मी राइट डाउन मास फ्लो रेट. अब ये मास फ्लो रेट किसका रहेगा, दिस इज ऑफ जेट, किसका रहेगा, जो भी जेट एक पर्टिकुलर मास फ्लो रेट के साथ बह रहा होगा, ठीक है, वो स्ट्राइक करेगा आपकी प्लेट को. दिस इज इक्वल टू द फोर्स विल बी इक्वल टू मास फ्लो रेट ऑफ जेट इन टू दिस इज योर इनिशियल वेलोसिटी माइनस फाइनल वेलोसिटी. एक और चीज कि आपका जेट जो इनिशियल वेलोसिटी के साथ ट्रेवल करेगा दैट विल बी व्हाट, v माइनस यू. अब ये पूछेंगे कि आप ये क्या होता है v माइनस यू, देखिए v माइनस यू विल बी नथिंग बट योर रिलेटिव वेलोसिटी. किसके रेस्पेक्ट में, ये है आपकी जेट की रिलेटिव वेलोसिटी जिसके साथ वो स्ट्राइक करेगा इस मूविंग प्लेट्स को, ठीक है. ओके, सपोज ये क्या बोलते हैं, हमारा रिलेटिव वेलोसिटी का कंसेप्ट समझते हैं. सपोज कोई दो ट्रेनें हैं वो एक ही डायरेक्शन में जा रही हैं, सपोज ये 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जा रही है, ठीक है, ये जा रही है मतलब वेलोसिटी के साथ जा रही है, ये जा रही है 15 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी के साथ एक ही डायरेक्शन में, ठीक है. तो अब मैं क्या करूंगा, अगर मैं रिलेटिव वेलोसिटी, कोई भी दो चीजें चल रही है तो अगर मैं इसकी वेलोसिटी निकालूंगा इसके रेस्पेक्ट में, सपोज ये है ट्रेन ए ये है ट्रेन बी, तो अगर मेरे को बी की वेलोसिटी निकालनी तो मैं क्या करूंगा, 15 में से 5 माइनस कर दूंगा, दैट विल बी 15 माइनस 5 विल बी इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड, क्लियर हो गया. तो बी ट्रेन की वेलोसिटी क्या होगी, 10 मीटर पर सेकंड, किसके कंपैरिजन में, 5 मीटर के कंपैरिजन में. या फिर मैं बोल सकता हूं कि बी ट्रेन की जो रिलेटिव वेलोसिटी होगी ए के कंपैरिजन में, ठीक है, उस टाइम पर ए की वेलोसिटी को जीरो मान लिया जाता है, ठीक है. सो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा दैट जो बी ट्रेन है वो ट्रैवल कर रही है विद अ रिलेटिव वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड विद रिस्पेक्ट टू ए. तो वैसे ही तो जेट जो स्ट्राइक करेगा आपकी इनिशियल वेलोसिटी के साथ दैट विल बी वी माइनस यू, किसके रेस्पेक्ट में, आपकी इस मूविंग प्लेट के रेस्पेक्ट में, जो मूविंग प्लेट आपकी
कॉन्स्टेंट वेलोसिटी स्मॉल यू से चल रही है, ठीक है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। सो फिलहाल मैं क्या कहूंगा, ये जो मास फ्लो रेट है जेट का, व्हाट विल बी दिस, जिसके साथ वो स्ट्राइक करने वाला है। देखिए अगर आप देखेंगे थोड़ा सा गौर करके, मैं काम करता हूं, इसकी यूनिट लिखता हूं, ठीक है। फोर्स इक्वल टू, फोर्स की यूनिट क्या होगी, न्यूटन, ठीक है। यहां पे लिख देता हूं न्यूटन, एक काम करता हूं, लेट इट बी फोर्स इक्वल टू, ये मास फ्लो रेट की यूनिट होगी केजी पर सेकेंड, इनटू वेलोसिटी, में से वेलोसिटी माइनस किया वो तो किसकी यूनिट आएगी, वो मीटर पर सेकेंड की ही वेलोसिटी आएगी। तो ठीक है, फिलहाल अब हम करते हैं हमारा ये वाला कॉन्सेप्ट, देखिएगा ध्यान से। सो अब मेरे को केजी इंट्रोड्यूस करना, तो मैं केजी के लिए क्या यूज करूंगा, डेंसिटी। व्हाट इज दिस डेंसिटी, इसकी डेंसिटी की यूनिट देखिए केजी पर मीटर क्यूब, ओके। नेक्स्ट अगर मुझे फिलहाल क्या चाहिए, सिर्फ केजी चाहिए, नीचे तो सेकेंड भी नहीं आया, तो मैं क्या करूंगा, एक काम करूंगा, मैं मीटर क्यूब पर सेकेंड से मल्टीप्लाई कर दूंगा, ठीक है। तो अब आप देखेंगे ये मीटर क्यूब पर सेकेंड किसकी यूनिट होती है, ये होती है हमारी फ्लो रेट की, ठीक है, जिससे आपका जो जेट है ट्रेवल कर रहा था, ठीक है, विद अ पर्टिकुलर फ्लो रेट के साथ वो ट्रेवल कर रहा होगा, उसी हिसाब से वेलोसिटी आई, देन जो भी इसका क्रॉस सेक्शन एरिया आया होगा वो डायमीटर पे डिपेंड करता होगा। सो अब देखिए मीटर क्यूब गेट कैंसिल, तो ये हो गया हमारा प्रॉब्लम सॉल्व। सो फाइनली ये जो वी वन माइनस वी टू है, ये तो डेफिनेटली वी वन माइनस वी टू ही रहेगा, ठीक है। तो चलिए आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। तो देखिए केजी पर सेकंड और यहां पर क्या यूनिट आएगी, मीटर पर सेकंड। तो अब मैं इसको मिटा देता हूं, ये तो जस्ट समझाने के लिए था, तो मैं अच्छे से लिखूंगा दैट फोर्स कैन बी रिटन एज रो, और ये जो फ्लो रेट है ये कैसे लिख सकते हैं, ए इंटू वी। तो मान लेते हैं ये जो आपका जेट है ये स्मॉल ए एरिया के साथ, क्रॉस सेक्शन एरिया के साथ ट्रेवल कर रहा था, तो दिस विल बी ए इंटू योर वेलोसिटी वी जिसके साथ वो ट्रेवल कर रहा था, दिस इज नथिंग बट अ मास फ्लो रेट ऑफ योर जेट, ठीक है, जिसके साथ ये आपके इस बहुत सारी नंबर ऑफ प्लेट या वेन्स को स्ट्राइक करने वाला है, ओके। अब आपको मालूम है ये थी हमारी इनिशियल वेलोसिटी किस, कौन सी डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में आपका ये प्लेट मोशन कर रहा है, ठीक है। तो जो हमारी वेलोसिटी थी जेट की, जिसके साथ वो, यानी कि दिस इज इनिशियल वेलोसिटी, दिस इज द फाइनल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी हमारी जीरो, ठीक है। और ये जो इनिशियल वेलोसिटी है, ये वेलोसिटी है उस जेट की जिसके साथ ये स्ट्राइक करेगा, मतलब किस, कौन सी वेलोसिटी के साथ, ये रिलेटिव वेलोसिटी के साथ स्ट्राइक करेगा। तो हमारी रिलेटिव वेलोसिटी क्या है, दैट इज योर वी माइनस यू, क्लियर हो गया, ओके। फाइनली जो फोर्स एग्जर्ट की जा रही है इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ प्लेट, जिस डायरेक्शन में आपकी प्लेट मोशन कर रही है, जिस डायरेक्शन में आपकी प्लेट मूव कर रही है, वो लिखा जा सकता है रो इंटू ए इंटू वी, वी माइनस यू, क्लियर हो गया, ओके। तो आई होप आपको पूरा क्लियर हो गया होगा, ठीक है। फिलहाल मैं इसे मिटा देता हूं। अब हम फाइंड आउट करेंगे कि कितना वर्क डन किया गया है आपके जेट द्वारा नंबर ऑफ प्लेट्स इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ प्लेट, ठीक है। तो अब हम निकालेंगे वर्क डन पर सेकेंड, कितना काम किया गया है। तो अब आपको मालूम है फॉर्मूला क्या है, वर्क डन बाय द जेट, ठीक है, ओके। तो दिस कैन बी रिटन एज योर फोर्स इनटू योर परपेंडिकुलर डिस्टेंस, या फिर बोल सकते हैं डिस्टेंस पर सेकेंड। तो ये क्या लिखेंगे, फोर्स हमने ऑलरेडी कैलकुलेट कर ली है, ये है वर्क डन पर सेकेंड इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ प्लेट, जिस डायरेक्शन में आपकी प्लेट मोशन कर रही है, मूव कर रही है, ठीक है। सो दिस कैन बी रिटन एज, ये हमने ऑलरेडी निकाला हुआ है, रो इंटू ए इंटू वी, वी माइनस यू, और जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस इज नथिंग बट यू, ठीक है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा, दिस इज नथिंग बट द डिस्टेंस इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ प्लेट, ठीक है। सो फाइनली तो वर्क डन जो हमें मिला है, दिस इज वर्क डन पर सेकेंड, तो ये था हमारा वर्क डन पर सेकेंड। अब फाइनली बारी आ गई है हमारी, हाँ एक चीज बताना चाहूंगा कि स्ट्राइक होने के बाद आपका जो जेट है वो ट्रैवल करेगा इन द टेंजेंशियल डायरेक्शन ऑफ द प्लेट, जो भी प्लेट होगी उसकी टेंजेंशियल डायरेक्शन में, और आपका जो वेलोसिटी कंपोनेंट होगा वो कुछ नहीं होगा, वो जीरो होगा, वो भी इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ प्लेट, जिस डायरेक्शन में आपका प्लेट का मोशन होगा, ठीक है, तो आपका जो वेलोसिटी कंपोनेंट है वो जीरो होने वाला है, ठीक। दूसरी चीज अब हम बात करते हैं एफिशिएंसी की, मगर अगर हमें एफिशिएंसी चाहिए तो हम क्या देखते हैं कि हमारा पावर में इनपुट कितना था, ठीक है, पावर हमने कितनी इनपुट दी और पावर आउटलेट पे कितना हमें मिला, पावर आउटलेट पे हमें कितना मिला, अगर एफिशिएंसी निकालनी तो मल्टीप्लाई बाय 100 भी करना पड़ता है। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। फिलहाल जो चीजें हमें मिली हैं वो मैं यहां पे लिख लेता हूं, ठीक है। तो देखिए तो हमें जो वर्क डन मिला, फिलहाल मैं सबसे पहले फोर्स जो एग्जर्ट की जा रही है आपके जेट द्वारा
इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ प्लेट, ठीक है, किसके ऊपर, ऑन द नंबर ऑफ वेन्स, जितनी ये वेन्स हैं जो ट्रेवल करें विद अ वेलोसिटी स्मॉल यू, वो लिखा जा सकता है रो इंटू ए इंटू वी माइनस यू, ठीक है। और जो वर्क डन मिला है, द वर्क डन पर सेकेंड जो किया जा रहा है, अगर आप थोड़ा सा गौर करेंगे, वर्क डन पर सेकेंड इज नथिंग बट द पावर, ठीक है। सो पावर कैन बी रिटन एज योर रो इंटू ए इंटू वी वी माइनस यू इंटू यू। लेट मी चेक, यस एवरीथिंग इज एब्सोल्यूटली मींस करेक्ट। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तब हमें निकालनी थी व्हाट पावर, तो हमें सबसे पहले ये मालूम होना चाहिए कि इनपुट, देखिए एफिशिएंसी निकालनी है तो जितना इनपुट है, ठीक है, कितना इनपुट दिया गया था, यानी कि कितनी पावर इनपुट पे थी और कितनी पावर आउटपुट पे थी मल्टीप्लाई बाय 100। तो एफिशिएंसी अगर हमें निकालनी है तो हम क्या करेंगे, ये जो पावर का इनपुट है, ठीक है, वो हम निकालेंगे कि आपका जो ये जेट है ये कितनी काइनेटिक एनर्जी के साथ ट्रेवल कर रहा है। देखिए अगर आपको मालूम है काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर। सो काइनेटिक एनर्जी कैन बी रिटन एज, देखिए ये तो है मास, मगर मास की जगह हम मास फ्लो रेट ले ले तो वो जो काइनेटिक एनर्जी होगी दैट विल बी पर सेकेंड, और ये बन जाएगा हमारा पावर इनपुट पे, ठीक है। तो इस जेट द्वारा कितनी काइनेटिक एनर्जी इस्तेमाल की गई थी, ठीक है। सो दिस विल बी योर हाफ। अब आपको मालूम है मास, मास जो है जिस मास फ्लो रेट से, तो मैंने क्या बोला था, यहां पर हमारा फ्लूइड ट्रैवल कर रहा है विद सर्टेन मास फ्लो रेट, तो मास फ्लो रेट कैसे दिया जाएगा, रो ए इनटू वी, एंड फाइनली जो वेलोसिटी है वी स्क्वायर। तो अच्छे से लिखेंगे दैट पावर कैन बी रिटन एज रो ए इनटू वी क्यूब। अगर आप थोड़ा सा गौर करेंगे, ये काइनेटिक एनर्जी पर सेकेंड है, तो एनर्जी पर सेकेंड यानी कि इसकी यूनिट क्या होती है, जरा देखेंगे तो जूल पर सेकेंड, जूल पर सेकेंड क्या होता है, वाट, वाट किसकी यूनिट होती है, पावर की। तो ये है हमारा पावर, ठीक है। सो फिलहाल हमने क्या लिखा, सो दिस कैन बी रिटन एज योर हाफ रो ए वी क्यूब। तो ये हो गया हमारा पावर इनपुट। तो पावर आउटलेट कितना होगा, अब आपको मालूम है ये जितना काम किया गया है इस जेट द्वारा इस मूविंग प्लेट के ऊपर, यानी कि जो भी नंबर ऑफ प्लेट्स के ऊपर जितना भी काम किया गया पर सेकंड, ये क्या है, ये है पावर आउटलेट पे, ठीक है। हमने कितना पावर अप्लाई किया था और कितना पावर हमें आउटलेट पे मिला है, तो ये हो जाती है हमारी एफिशिएंसी। तो कितना है भाई, यू, ये दिस इज रो इनटू ए इनटू वी वी माइनस यू into u, ठीक है। अब आप देखिए रो रो गेट कैंसिल, एरिया एरिया गेट कैंसिल, एक v से एक v, मतलब एक v कैंसिल हो जाएगा। अब ये जो है दिस इज मल्टीप्लाई बाय 100, अब ये जो 2 है पलट के ऊपर आ जाएगा, सो 2 into v minus u into u upon v square into 100, ठीक है। सो दिस इज आवर एफिशिएंसी। अगर आप 100 नहीं भी लगाएंगे तो ये फ्रैक्शन में हो जाएगा, ठीक है। So let me check, yeah, everything is correct, ठीक है। So finally, अब हो गया है, ये हो गई हमारी efficiency। अब हम निकालते हैं what will be, let me change the this one, where is my, okay, चलिए, ठीक है, ये हो गई हमारी efficiency, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे, तो condition क्या होगी maximum efficiency की। अब आप देख रहे हैं कि अगर आपका jet एक constant velocity के साथ travel करता है, ठीक है, तो ये तो हो गया भाई v, कैपिटल v था कांस्टेंट। तो अब जो आपकी ये एफिशिएंसी किस पे डिपेंड करती है, कोई नंबर पे थोड़ी नहीं, ये स्मॉल u पे डिपेंड करती है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको डेरिवेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू योर वेलोसिटी जिसके साथ ये आपकी जो प्लेट है, यानी कि नंबर ऑफ प्लेट्स हैं जो रनर के ऊपर लगी हुई है, यानी कि व्हील के ऊपर वो ट्रैवल कर रही है, ठीक है। तो अगर मैं इसको इसके रिस्पेक्ट में डेरिवेट करूंगा तो ये जो कांस्टेंट चीजें ये बाहर निकाल लेता हूं, v स्क्वायर, ठीक है, ये जो 100 है ये भी मैं यहीं पे लिख लेता हूं, ओके। इससे पहले कि मैं डेरिवेट करूं, ये u को मैं अंदर मल्टीप्लाई कर लूंगा, ठीक है। सो ये u इंटू वी, मैं काम करता हूं, अभी डेरिवेट नहीं करता, सबसे पहले मैं n को अच्छे से और लिख लेता हूं। सो ये हो जाएगा वी यू माइनस यू स्क्वायर, ठीक है, हो गया। अब मैं डेरिवेट करूंगा, मैं जैसा बता रहा हूं कि डेरिवेट क्यों किया था मैंने, क्योंकि आपने देखा कि आपका एक पर्टिकुलर कॉन्स्टेंट वेलोसिटी के साथ अगर आपका जेट ट्रेवल कर रहा है v के साथ, तो आपकी जो एफिशिएंसी किस पे डिपेंड करती है, स्मॉल यू पे डिपेंड करेगी, और तो किसी पे नहीं है। तो हम डेरिवेट करेंगे, और हम क्या करेंगे, डेरिवेशन करके उसका उसको इक्वेट कर देंगे जीरो। तो जब भी आप ऐसा करेंगे
मैथमेटिक्स ये बोलता है कि जो भी आप डेरिवेटिव निकालते हैं किसी भी दो पैरामीटर के रेस्पेक्ट में, मीन्स एक पैरामीटर के रेस्पेक्ट में इसका डेरिवेटिव इसके रेस्पेक्ट में, तो क्या होता है ये वाला ऑटोमेटिकली कब, हाँ निकालने के बाद आप इस डेरिवेटिव को जीरो पुट कर दीजिए। जीरो पुट करने के बाद क्या होगा कि ऑटोमेटिकली जो ऊपर वाला पैरामीटर है ये मैक्सिमम हो जाएगा। लेट मी चेक एवरीथिंग इज वर्किंग फाइन। या सी तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले ये कांस्टेंट बाहर निकाल लेता हूं इनटू 100। ओके अब मैं किसके रेस्पेक्ट में डेरिवेट कर रहा हूं, विद रेस्पेक्ट टू यू, तो ये हो जाएगा अगर यू के रेस्पेक्ट में तो दैट विल बी कैपिटल वी, और ये हो जाएगा यहां पे जो पावर है वो सामने आ जाएगी और पावर एक से रिड्यूस हो जाएगी, तो ये हो गया हमारा डेरिवेटिव। और फाइनली मैं इसको क्या करूंगा, जीरो पुट कर दूंगा, तो 2 अपॉन वी स्क्वायर इनटू 100 इनटू वी माइनस 2u। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्लियर हो रहा होगा। तो चलिए अभी आगे बढ़ते हैं। So, ये 2 नीचे आएगा, v स्क्वायर ऊपर जाएगा और 100 भी नीचे आएगा, तो 0 से कुछ भी मल्टीप्लाई होगा ये इधर चला जाएगा, ये इधर चला जाएगा। ठीक है, तो कुछ भी मल्टीप्लाई डिवाइड होगा तो 0 ही आएगा, तो फाइनली विल गेट 0 इक्वल टू v माइनस 2u। सो फाइनली 2u इक्वल टू v। हमने क्या देखा कि जो वेलोसिटी, जिस वेलोसिटी के साथ आपका ये v कौन था, ये कैपिटल v जो है आपका इस जेट का वेलोसिटी है, तो आपका क्या होगा कि ये जो वेलोसिटी है आपकी जेट की ये लगभग 2 गुना होनी चाहिए आपकी, किससे, आपकी जिस वेलोसिटी के साथ आपका ये प्लेट मूव होंगे। तो कहने का मतलब साफ साफ पता चल रहा है कि अगर वेलोसिटी इसकी जेट की वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड है तो आपकी ये जो स्मॉल होगी ये 5 मीटर पर सेकेंड है, लगभग हाफ होगा, मतलब यही मतलब पता चल रहा है ना। दिस इज सी, अगर मेरे को स्मॉल यू की वैल्यू निकालनी है तो दैट विल बी कैपिटल वी बाय 2। साफ साफ पता चल रहा है कि जो भी जेट आपकी जिस वेलोसिटी के साथ ट्रैवल कर रहा होगा डेफिनेटली आपका जो ये व्हील है ये रोटेट होगा हाफ वेलोसिटी के साथ। ठीक है, और जो स्ट्राइक करेगा रिलेटिव वेलोसिटी के साथ वो होगा 10 माइनस 5 विल बी 5 मीटर पर सेकंड, तो रिलेटिव वेलोसिटी प्लेट के रिस्पेक्ट में 5 मीटर पर सेकंड होगी। तो फाइनली मैं क्या करूंगा, फिलहाल ये थर्ड पॉइंट यहां पर लिख लेता हूं, दैट स्मॉल यू इक्वल टू कैपिटल वी बाय 2। क्लियर हो गया। ओके, अब हमारी एफिशिएंसी क्या बोल रही थी, तो एफिशिएंसी कितनी होगी, ये तो कंडीशन है, दिस इज नथिंग बट द कंडीशन फॉर मैक्सिमम एफिशिएंसी। ठीक है, तो हमारी जो एफिशिएंसी वो क्या बोल रही थी, एफिशिएंसी का फॉर्मूला लिख लेता हूं क्योंकि मैं मिटा चुका हूं एक्चुअली। दिस इज 2u, व्हाट इज दिस, व्हाट वाज आवर फॉर्मूला, या v माइनस u अपॉन u नॉट सॉरी दिस दैट वाज v स्क्वायर। ओके, अब हमने क्या पता लगाया, हमने इसे पहले कंडीशन फॉर मैक्सिमम एफिशिएंसी पता लगाई, तो ये हो गया हमारा। तो एक काम करता हूं, इससे मैं 2u लिख सकता हूं। ठीक है, तो मैं यहां पे लिखता हूं, तो दिस विल बी 2u, जहां पे कैपिटल v है उसकी जगह भी 2u पुट कीजिए, माइनस u अपॉन v स्क्वायर। v स्क्वायर की जगह हमें क्या लिखना है, v की जगह 2u बताया है, तो दैट विल बिकम, क्योंकि v स्क्वायर है तो 4u स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, सो फाइनली हम क्या लिखेंगे, so your efficiency is equal to 2u minus u is your single u, और ये single u जैसे ही 2u के साथ multiply होता है this will become 2u square, नीचे है 4u square, तो u square get cancel, 2 into 2, 2 to the 4, तो कितना आ गया, हाँ साथ में multiply by 100 भी चल रहा था, so this is multiply by 100, so this is equal to 1 upon 2 multiply by 100, so efficiency is nothing but 50%, तो I hope आपको ये clear हो गया होगा, it's quite hot and humid in Punjab Pathankot। सो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, अगर आप ऐसी एजुकेशन वीडियोस चाहते हैं तो प्लीज डू राइट अ कमेंट, मैं पूरी कोशिश करूंगा टाइमिंगली वीडियोस लेके आने की। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।